अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू AM किचन एंड व्लॉग्स विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। मतलब टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज हम कौन सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। आई थिंक हमने इससे पहले भी शेयर की है, लेकिन आज आफ्टर सो लॉन्ग हम लोग ने स्टिक्स बनाई थी और उसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर की है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और एंड तक वॉच करिएगा। तो बस यहाँ पर मम्मा और मैं प्रिपरेशन कर रहे थे चाइनीज़ राइस और मज़ेदार स्टिक्स की। तो बस स्टिक्स के लिए मैंने ऑनियन एक ली थी और वो भी इसी तरह मैंने क्यूब्स में कट कर ली थी, क्योंकि स्टिक्स में तो इसी तरह लगती हैं कैप्सिकम और अनियंस। और आप लोग और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कैप्सिकम और अनियंस अच्छी लगती हैं स्टिक्स में। दूसरी तरफ मम्मा चिकन स्टॉक की प्रिपरेशन कर रही थी। बस इसके अंदर मम्मा ने चिकन बोनलेस और चिकन लेकर और उसमें मम्मा ने एक आधी प्याज डाली थी और टर्मरिक पाउडर डाला था और उसके अंदर नमक ऐड किया था एंड काले मिर्च पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था। तो बस ये जो है चिकन स्टॉक बड़ी मज़ेदार बनी थी और इसका जो है टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। और अगर इसका जो स्टॉक हम डालें चावलों में तो उसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा होता है चावल में। तो हमने यही किया था, मामा ने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के पकाने के लिए रख दी थी थोड़ी देर के लिए और उसमें मटर भी हमने डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली हैं, अच्छे से चॉप कर ली। अच्छा, स्टिक्स में जो हैं वो स्क्वायर शेप में डलती हैं वेजिटेबल्स, तो अच्छी लगती है और वो प्रेजेंटेशन भी आती है बहुत अच्छी सी। फिर स्टिक्स में जो मैंने मसाले लगाए थे वो स्पाइसेस की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। तो इसमें जो मैंने लगाए थे स्पाइसेस वो थे सॉल्ट टू टेस्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं एंड ब्लैक पेपर पाउडर हमने ऐड किया था। इसके अंदर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनीगर ऐड किया था टू टेस्ट, मतलब आप लोग को जितना भी टेस्ट अच्छा लगे जितना आप लोग खाते हो। तो तो बस यहाँ पे चिकन स्टॉक रेडी हो रही थी और बराबर मैंने चाय चढ़ाई हुई थी। तो हम लोग ये शाम के टाइम खाने का तैयारी कर रहे थे, रात के खाने की तैयारी। हमने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल, इसमें सफ़ेद जीरा डालने के बाद मम्मा ने जो चिकन स्टॉक बनाई हुई थी उसे चिकन निकाल के उसके अच्छे से रेशे करके मम्मा ने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। एंड देन उसके बाद मम्मा ने वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी थी। तो बस मम्मा ने इसके अंदर वेजिटेबल्स एंड चिकन डालने के बाद उसमें सोया सॉस ऐड किया और चिली सॉस डाला। इसी से टेस्ट आ रहा होता है चाइनीज़ का। फिर उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर लिया। उसके बाद हमने इसको अच्छे से पकाया, एक भाप में गलाया थोड़ी सी सब्जियों को ताकि थोड़ी सी सब्जियां गल जाएं और उसमें टेस्ट आ जाए सॉसेस का। इतने में मैंने यहाँ पे चिकन स्टिक्स बना रही थी, उसमें स्टिक्स में लगा रही थी। जब वेजिटेबल्स पूरी कुक हो गई थी तो उसके अंदर हमने जो चिकन स्टॉक थी वो ऐड कर दी थी और उसके बाद उसमें हमने चावल ऐड कर दिए थे जो कि हमने सोक किए हुए। तो बस ये मैंने स्टिक्स बना ली थी और इस स्टिक्स को हम लोग ने शैलो फ्राई किया था, हमने इसको डीप फ्राई नहीं किया था। तो बस देखिए यहाँ पे कितनी यम्मी सी स्टिक्स रेडी हो गई हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत कोई अच्छा सा सॉस बना रही हूँ जो कि हम लोग हमेशा चाइनीज़ राइस के साथ ज़रूर खाते हैं और इससे टेस्ट बहुत यम्मी आता है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह बनाते हैं, विनेगर लेते हैं, विनेगर में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और उसके अंदर हम पिसी लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी हरी मिर्च डाल देते हैं, तो उससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा होता है और हम लोग ये चाइनीज़ राइस के साथ सर्व करते हैं। तो लाइट सा यमी सा डिनर रेडी है हमारा और बहुत मज़ेदार सा टेस्ट था इसका, बहुत यमी टेस्ट था। ज़रूर हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें अगर हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ। हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।